हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू निर्भर एकेडमी। सो आज हम नया टॉपिक से हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, सो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। सो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बेसिकली क्या होता है? ये होता है बेसिकली आप एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज, आपका जो इलेक्ट्रिकल चार्ज आप सप्लाई दे रहे हो वो किस तरीके से आपका कंडक्टर के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, लाइक एज कि आप मोबाइल फोन यूज करते हो, तो मोबाइल फोन में आप क्या करते हो कि मोबाइल फोन बैटरी डाउन हो जाती है तो आप उसको चार्जर से लगा देते हो। चार्जर से लगाने के बाद आपका वो बैटरी 0% टू 100% होता है, तो वो प्रॉपर्टी किसके अंदर में आता है? आपका कैपेसिटेंस के अंदर में आता है। सो बेसिकली आप कैपेसिटेंस को लिखोगे क्या? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कनेक्टर इज इट्स एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, आप इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कर रहे हो? इसमें स्टोर कर रहे हो। ठीक है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे? सी से। ठीक है, एंड सी इज इक्वल टू कि अगर आप किसी भी कंडक्टर में आप चार्ज को स्टोर कर रहे हो, किसकी हेल्प से कर रहे हो? पोटेंशियल के हेल्प से करोगे। जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे तो वैसे वैसे आपका चार्ज स्टोर होगा। अगर पोटेंशियल डाउन होगा तो आपका चार्ज स्टोर पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सो सी इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन, वेयर क्यू इज चार्ज ऑफ कंडक्ट या इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हो, वी इज आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, सो हमारा सी इज इक्वल टू क्या आ गया? क्यू अपॉन वी। अब आता है इसमें क्या यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। इसका आपका यूनिट क्या आएगा? बेसिक सो इसका यूनिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इसका जो यूनिट होता है वो होता है फैराड। ठीक है, फैराड इज इक्वल टू होता है कूलॉम, क्योंकि आपका चार्ज का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट कूलॉम। वोल्टेज पोटेंशियल का क्या होता है? वोल्ट। सो आप ले सकते हो 1 फेराड इज इक्वल टू आएगा 1 कूलॉम अपॉन 1 ऑफ वोल्ट। ठीक है, ये हो गया आपका यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। और फेराड को आप रिप्रेजेंट करोगे एफ। तो जब भी मैं एफ की बात करूंगी तो वो नॉर्मली क्या आएगा? यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, अब इसमें निकाल दीजिए कि इसका डायमेंशन कितना आएगा। तो डायमेंशन कैसे निकालोगे? आपको बताया तो फॉर्मूला से निकाल सकते हो डायमेंशन को। सो बेसिकली आपका सी इज इक्वल टू क्या होगा? कूलॉम या आपका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, आपने देखा चार्ज, चार्ज को आप कैसे लिख सकते हो? आपने देखा है करंट इज इक्वल टू क्या होता है? करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो चार्ज इसको लिखते हैं आप सी या क्यू, और ये क्या आपको आएगा? टी। देन Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? I ऑफ T। I क्या आपका? करंट। ठीक है, तो Q के रिप्लेस में आप क्या कर सकते हो? I ऑफ T। फिर आपने देखा पोटेंशियल, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है? W बाई Q। ठीक है, ये रख सकते हो आप इसमें। सो अब आप यहाँ कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकाल दीजिए। C इज इक्वल टू Q बाई V को लिख दो W बाई Q, तो क्या हो जाएगा? ये Q स्क्वायर बाई W हो जाएगा। एंड C का डायमेंशन क्या होगा? Q, Q इज इक्वल टू क्या है?
आई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन डब्लू, डब्लू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसको मैंने ले लिया लाइक एट डी एस। तो अब इसका डायमेंशन निकालिए, करंट का डायमेंशन क्या होता है ए, तो क्या हो जाएगा डबल करंट है तो ए टू, एंड टी टू फोर्स का क्या होता है डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, और इसका क्या आ जाएगा एल आ जाएगा। तो इसका जो डायमेंशन बनेगा क्या बनेगा, ऊपर ले जाइए इसको आप, क्या आ जाएगा एम माइनस वन, एल कितना है एल माइनस टू, टी ऊपर गया तो टी माइनस टू का हो गया प्लस टू, और टी टू पहले से था तो टी फोर एंड ए टू। तो ये आपका आ गया डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। ओके सो दिस इज आवर डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। हेलो स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। मींस आपका कोई कंडक्टर है जिसपे आपका जो चार्ज है यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, कहाँ पर है सरफेस पे, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि प्लस क्यू जो चार्ज है सरफेस पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। तो इस पर ले लीजिए सपोज चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर विद रेफरेंस ऑफ सेंटर। ठीक है, आपका सरफेस पे क्या आपका यूनिफॉर्मली स्प्रेड है एंड रेडियस ऑफ स्पेयर इज आर। समझ में आया कि आर रेडियस का स्पेयर है और जो चार्ज है यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, तो ऑटोमेटिक ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो आपका इस केस में पोटेंशियल कितना आएगा, पोटेंशियल एट आइसोलेटेड का मीन्स क्या एक जैसा आइसोलेटेड सेम चार्ज स्पेरिकल कंडक्टर कितना आएगा, इसको मैंने ले लिया V इज इक्वल टू आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आपका आ गया क्या पोटेंशियल, इसको आपने मान दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब भाई ये पोटेंशियल तो हमें भाई पहले से पता था कि अगर आपका कुछ इस तरीके से बॉडी है तो पोटेंशियल क्या रहेगा, आपका हर जगह सेम रहेगा। तो अब इस केस में कैपेसिटेंस कितना आएगा, देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कैपेसिटेंस एट कंडक्टर कितना आएगा, C इज इक्वल टू क्या होता है Q बाई वी। Q कितना आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q से Q कैंसिल, तो भाई C कितना आएगा, सो आपका C कितना आएगा, ये कैंसिल हो गया, तो C इज इक्वल टू आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ओके, बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक है, अगर आपको पहले क्लास के सारे लेक्चर्स याद हैं
तो ये सारी चीजें करने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी अगर आपके अलग अलग वर्ड भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और पुराने से रिलेटेड है तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपको इजीली से। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू निर्भर एकेडमी। सो आज का जो टॉपिक है वो है कैपेसिटर्स एंड इट्स प्रिंसिपल, जो कि आप ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हो। वहाँ पर आपने पढ़ा था कैपेसिटेंस, जो कि आपने एक स्पेरिकल सेल है उस वहाँ पर कैपेसिटेंस को कैलकुलेट किया। फिर आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी इनसाइड ए कंडक्टर या एट ए कंडक्टर। अब यही उसके आगे का फॉरवर्ड पार्ट है। तो यहाँ पर बेसिकली आपने क्या लिया, एक मेटल इंसुलेटेड मेटल प्लेट ली है। इंसुलेटेड मेटल प्लेट मीन्स कि एक प्लेट है, प्लेट के अंदर जो चार्ज है प्लस चार्जेज है, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्जेज है। इसको आप इंसुलेशन से आपने उसको क्या कर रहा है, या इंसुलेटर वायर से आपने उसको होल्ड करा हुआ है। एंड अब उसके बाद आपने क्या करा कि आप क्या देख रहे हो कि जो प्लेट ए है इस पे आपका जो पोटेंशियल है मैक्सिमम है। ठीक है, पहले फर्स्ट कंडीशन में इसको आप बोल सकते हो कंडीशन फर्स्ट, कि जब आपका इस पे क्या होगा पोटेंशियल इज मैक्सिमम, या वोल्टेज क्या आ जाएगा आपका मैक्सिमम आ जाएगा इस केस में। ठीक है, जब आपका सिंगल आपने यहाँ पर प्लेट रखी हुई थी। अब आपने क्या कर दिया कि दूसरी प्लेट जो कि बी है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, इसको आपने इसके पास में रख दिया। अब जैसे ही आप इसके पास में लेके आओगे तो आपने बोला कि ये आपका हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो इसमें इंडक्शन प्रोसेस जो कि आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, बाय कंडक्शन बाय इंडक्शन बाय फ्रिक्शन मेथड, वही हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे कि जैसे आप हाईली पॉजिटिव चार्ज लेके आओगे तो यहाँ से क्या होगा, जो बी बॉडी है, सो जो बी बॉडी है, बी बॉडी पे जो उसके जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो किधर अट्रैक्ट होंगे, ए बॉडी के पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होंगे ऑब्वियसली। तो अब और दूसरा जो पॉजिटिव चार्ज है बी बॉडी का, वो क्या करेगा, रिपल करेगा। तो ए बी बॉडी का जो नेगेटिव चार्ज है ए बॉडी के पॉजिटिव चार्ज के पास में, सिमिलरली बी बॉडी का पॉजिटिव चार्ज है ए बॉडी के पॉजिटिव चार्ज से डिफरेंट अलग हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपके कंडीशन होगी। तो अब आप इसके केस में क्या कह रहे हो, इनिशियली जो ए पे जो पोटेंशियल था वो क्या था, मैक्सिमम था, लेकिन आप क्या देख रहे हो कि जैसे ही आप इसके यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है बी बॉडी पे ए बॉडी के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा, जो इसका पोटेंशियल होगा धीरे धीरे आपका क्या होता चला जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा। ठीक है, किसकी वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से। दूसरा आपका जो दूसरी साइड जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, जो पोटेंशियल है उसको इंक्रीज करेगा। ठीक है, बट आपका कौन सा ज्यादा मोर इफेक्टिव है, आप देख सकते हो कि जो नेगेटिव चार्ज है मोर नियर टू ए है, ए के पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा एज कंपेयर टू बी का जो पॉजिटिव चार्ज है। ओके, सो अब आप क्या देख रहे हो, आपका जो ए पे जो पोटेंशियल है वो धीरे 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 रिड्यूस होता चला जा रहा है, लेकिन ये अभी कंप्लीटली रिड्यूस नहीं हो रहा है। अब हमने दूसरी सिचुएशन ले ली, ये वाला सिचुएशन था, फर्स्ट सिचुएशन था। अब यहाँ पर हमने दूसरी सिचुएशन ले ली, यहाँ पर लिया है कि ए बॉडी बी बॉडी वही है। अब यहाँ पर आप देख सकते थे कि बी बॉडी पे इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव है। अब इसका नेग पॉजिटिव को मैंने क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। ग्राउंडेड कर दिया मीन्स कि जो पॉजिटिव चार्ज है बी बॉडी को फ्री हो गए, वो फ्री हो गए, वो सारे के सारे चार्ज कहाँ चले गए, आपके ग्राउंड में चले गए। अब आपके बी बॉडी में जो चार्ज बचेगा कौन सा चार्ज बचेगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो अब ऑटोमेटिक ए बॉडी पे जो पोटेंशियल है यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल आपका रिड्यूस होने लगेगा, पोटेंशियल आपका रिड्यूस होने लगेगा जब ये वाला केस आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको एक्सटर्नल चार्ज देते रहोगे, ठीक है, एक्सटर्नल चार्ज देते रहोगे तो ही आपका ये बैलेंस हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज आपका ये धीरे 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 करके आपका रिड्यूस होता रहेगा। जैसे कि आप मोबाइल फोन में आप क्या देखते हो कि जब आपका बैटरी उसमें जाने लगती है तो आपको चार्जिंग की बहुत जरूरत पड़ती है, अगर आप चार्जिंग नहीं लगाओगे तो फाइनली जाके आपका फोन डिस्चार्ज हो जाएगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चार्जिंग करना पड़ेगा। तो इसमें भी वही कंडीशन है कि आप ए बॉडी पर चार्ज आपको एडिशनल देने पड़ेंगे, वो किसके टर्म में दोगे, पोटेंशियल के टर्म में दोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में इसमें आप चार्ज दोगे। ठीक है, तो उसकी वजह से आपका ए बॉडी पर चार्ज क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा।
तो यहाँ पर ये क्या है, वर्केबल कंडीशन है। अगर आपका ऐसा कंडीशन आ जाता है कि इसमें पोटेंशियल बिल्कुल डाउन हो जाएगा, तो यहाँ पर जो कैपेसिटर है उसको चार्ज होने की जरूरत है, वो अभी कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो चुका है। ठीक है, तो ये तो इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि आपका जो कैपेसिटर है किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो कैपेसिटर है उसका सिंबल कैसे लेते हैं। ओके स्टूडेंट, सो बेसिकली आप इसका सिंबल जो लोगे कुछ इस तरीके से लोगे, दो प्लेट्स हैं आपका, ए और बी प्लेट्स। ठीक है, अगर आपका वेरिएबल है तो ये क्या है, वेरिएबल कैपेसिटर। या नॉर्मल आप उसको ले सकते हो, दो प्लेट कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप कैपेसिटर को थोड़ा सा बेंड हो गया, हम उसको सीधा कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम ये है आपका कैपेसिटर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो आगे के टॉपिक इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो वहां पर आपके ये चीज बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। हेलो स्टूडेंट्स, सो अब हमारा टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि आपने कैपेसिटर से पहले पढ़ लिया, कैपेसिटर एंड इट्स वर्किंग, उसके ही एजुम्शन यहाँ पर हम आगे लेके चलेंगे। तो यहाँ पर वही जो आपने लास्ट में जो प्लेट बची थी, कि ए जो प्लेट है, ए पे चार्ज क्या बचा था, पॉजिटिव चार्ज बचा था, बी पे जो चार्ज बचा था नेगेटिव, और इसका पॉजिटिव कहाँ दे दिया था आपने, ग्राउंडेड कर दिया था। ओके, सो अब आपके देख रहे हो कि इस प्लेट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है उसकी डायरेक्शन क्या जाएगी, आपके इस डायरेक्शन में जाएगी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप देख रहे हो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसमें। ओके, अब फर्स्ट तो कंडीशन ये ले लिया, दूसरा आपने कंडीशन ले लिया कि दो जो प्लेट हैं दोनों के बीच का हमने डिस्टेंस मेजर कर दिया, कि लाइक है कि दोनों प्लेट का जो डिस्टेंस है डी डिस्टेंस है। ओके, दोनों का जो बीच में सेपरेशन है वो क्या है, डी सेपरेशन है। और इसके बीच में जो एरिया ले लिया आपने, ए एरिया ले लिया। ओके, तो यहां ले लिया, सपोज टू पैरेलल प्लेट, सपोज टू पैरेलल प्लेट प्लेट्स हूज एरिया इज ए एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज डी। ओके, देन स्टूडेंट अब आप क्या देख सकते हो कि यहाँ पर आपने जो चार्ज दिए हैं वो क्या आपका प्लस का क्यू चार्ज है। ठीक है, इसकी वजह से बी पे कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू, लेकिन वो कौन सा चार्ज है, इंड्यूस चार्ज है। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी एट प्लेट ए एंड प्लेट बी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एट प्लेट ए कितना आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू, या आप लेते हो क्यू इज इक्वल टू, या सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी ए, या आप इसमें ले सकते हो क्यू बाई ए, सिंपल सा एट ए। सिमिलरली आप ले सकते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी एट प्लेट बी कितना आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू माइनस का क्यू अपॉन ए। ये दो चीज आपने निकाल ली। अब इसको आपने मान दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, अब आप क्या देख रहे हो कि लाइक एज कि अगर आप देखोगे जो प्लेट के लेफ्ट में और ए प्लेट के लेफ्ट में और बी प्लेट के राइट में, आपको कोई चार्ज, बी प्लेट के राइट में कोई चार्ज नहीं है, देन यहाँ पर जो लेफ्ट में और राइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या आ जाएगा, जीरो। आपको जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ मिलेगा, सेंटर पे मिल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट प्लेट एट लेफ्ट साइड ऑफ प्लेट ए एट लेफ्ट साइड ऑफ प्लेट ए एंड राइट साइड ऑफ प्लेट बी इज जीरो। ठीक है, इसको आपने मान लिया ई ऑफ एल मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ प्लेट ए एंड ई ऑफ आर राइट साइड ऑफ प्लेट ए इज इक्वल टू क्या आपका जीरो, क्योंकि यहाँ पर आपका राइट साइड में कोई भी आपका चार्ज नहीं, इंड्यूस चार्ज क्या हो गया, ग्राउंडेड हो गया। देन अब आप क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू प्लेट्स सेपरेटेड बाय एयर ऑब्लिक वैक्यूम। ठीक है, दोनों उस वैक्यूम या एयर फिल किया हुआ, तो इस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगा, फ्लक्स निकाल दीजिए, फ्लक्स ऑफ फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है आपका E dot ds is equal to q upon epsilon naught, okay? And E इसको आप लिख सकते हो ds is equal to q की वैल्यू कितनी है आपकी sigma upon epsilon naught a, then E की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी E is equal to यहाँ पर हम लेके चलते हैं phi e इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, तो उसको ले लिया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये क्या आएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से e इज इक्वल टू क्या आ जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, इसको आपने मान दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ अब आपने बोला कि दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन क्या है डी है, और ई और वी के बीच में क्या रिलेशन है, अभी आपने निकाला था कुछ टाइम पहले ई इज इक्वल टू था माइनस का डी वी ओवर डी आर, या ई इज इक्वल टू आप ले सकते थे वी बाई डी। क्या निकाल सकते आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल when separation between two plates are d। अभी आपने रिलेशन पढ़ भी दिया, फिर भी मैं रिलेशन निकाल लेती हूँ। कैसे रिलेशन, आपने देखा v इक्वल टू क्या था पॉइंट चार्ज के लिए q अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, v इज इक्वल टू क्या था q अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट r। आप क्या कीजिए, यहाँ से q अपॉन एप्सिलॉन नॉट r को अलग ले लीजिए और 1 बाई r को अलग ले लीजिए। कैसे, e इज इक्वल टू q अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट r को अलग ले लीजिए और 1 बाई r को अलग ले लीजिए, तो ये किसकी वैल्यू है, पोटेंशियल की वैल्यू है, तो e इज इक्वल टू क्या आया पोटेंशियल इंटू वन बाई आर, या इसको आप ले सकते थे वी बाई आर। ठीक है, यहाँ सेपरेशन क्या है आर की जगह पे क्या है डी, तो यहाँ पर ई इज इक्वल टू क्या आएगा वी बाई डी। आई होप अब आपको ये रिलेशन अच्छे से समझ में आ गया हो कि ई और वी के बीच में क्या रिलेशन है। सो अब यहाँ पर निकाल दीजिए पोटेंशियल, पोटेंशियल इज इक्वल टू, अभी आपने रिलेशन पढ़ा वी इज इक्वल टू ई इंटू
ओके ई कितना आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, ये आपका मिल गया पोटेंशियल। ओके नाउ इसको मान दिया आपने इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब आपका क्या टास्क बचता, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, आपने पोटेंशियल निकाल लिया। भाई हम कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने निकाल कैपेसिटेंस, तो निकाल दीजिए कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना आ जाएगा। C इज इक्वल टू क्या है, क्यू वाई वी, वी की वैल्यू रख दीजिए क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। क्यू से क्यू कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो C इज इक्वल टू क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट ए, और D क्या था डिवाइड में था, तो पोटेंशियल कैपेसिटेंस कितना आया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये हमेशा याद रखना। सो स्टूडेंट अब आपने निकाल दिया है कैपेसिटेंस इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस केस में आपका जो रिजल्ट आया वो कितना है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों के एरिया पे, एरिया बिटवीन पैरेलल प्लेट। सबसे पहले ये दोनों के एरिया पे डिपेंड करेगा, जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ेगा कैपेसिटेंस पे क्या होगा, बढ़ेगा। सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मींस आपका क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, ये जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस भी क्या होगा आपका, घटेगा। ऑब्वियसली आपका जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम आपका क्या होगा, सॉरी जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा, और जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा।